एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। सो हे गाइस, दिस इज साइबर रिच बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एंटीवायरस की जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स को स्कैन कर सकते हैं। आपने कोई भी ईमेल डाउनलोड करा हो, ईमेल से कोई भी अटैचमेंट डाउनलोड करी और आपको शक हो रहा हो कि यार पता नहीं इसके अंदर वायरस है या नहीं है, तो ऐसी कुछ साइट मैंने शॉर्टलिस्ट करी है, जैसे वायरस टोटल, नो डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बताऊँ क्योंकि इनके बारे में और भी है, और भी ज़्यादा दो तीन वेबसाइट हैं ऐसी जो आपको मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, हम बात करेंगे कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हैकर्स इन दोनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ज़्यादातर नो डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और अगर आपको हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, सीखनी है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, करते हैं इस वीडियो को सीधा स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आ जाती है, हम लोग इनका यूज़ क्यों लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है इनको यूज़ करने के लिए। तो जैसा कि आप मान सकते हैं, आपके पास एक लैपटॉप है या पीसी है, उसके अंदर आपने कोई भी एंटीवायरस डाल रखा है या फिर एक से ज़्यादा आपने दो डाल रखे हैं। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप दो एंटीवायरस डालें क्योंकि एक एंटीवायरस दूसरे एंटीवायरस की कुछ सर्विस को ब्लॉक कर देता है। तो लेकिन अगर आपने दो एंटीवायरस या एक एंटीवायरस डाल भी रखा है अपने पीसी में, तो उसमें से ऐसा होता है, कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो सिर्फ मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं, मालवेयर डिटेक्ट करने में ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रोजन्स के लिए ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं। कोई भी ऐसा एंटीवायरस नहीं है जो सारी चीज़ों के अंदर एकदम परफेक्ट हो, और अगर वो होगा भी तो वो ज़रूर पेड होगा और उनकी सर्विस का जो भी सब्सक्रिप्शन होता है वो बहुत महंगा होता है, ईयरली सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे टाइम पे ऐसी वेबसाइट बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं, जिनके बारे में अभी हम देखेंगे, वायरस टोटल, नो डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्टीगार्ड और ये जोटी मालवेयर स्कैन, इस टाइम पे ये बहुत काम आ जाती है। अब मान लीजिए आपने एक फाइल डाउनलोड करी है कोई भी वेबसाइट से, अब आपको शक हो रहा है कि उसके अंदर वायरस होगा या नहीं होगा, तो आपने उसको अपने नॉर्मल एंटीवायरस से स्कैन किया, लेकिन उस एंटीवायरस ने बोल दिया कि फाइल ये तुम्हारी ओके है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा शक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करके इन ऐसी कुछ वेबसाइट पे जाके स्कैन कर लेंगे और ये बता देंगे कि उस फाइल के अंदर आपका वायरस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एंटीवायरस हैं जो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे, ये करीब 50 से 60 और ये वाली जो वेबसाइट है वो 30 एंटीवायरस के साथ उसको स्कैन करती है और आपको बता देती है कि उसके अंदर वायरस है या नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो का हम आधा पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, जिनके अंदर मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्टीगार्ड के बारे में, नहीं हम पहले देखेंगे जोटीज के बारे में क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आ रही है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपकी कोई भी फाइल है, अगर वो फाइल छोटी है तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये नहीं कि आप पूरे के पूरे 6-7 GB के गेम इसके ऊपर अपलोड करके उसको स्कैन कर रहे हैं। कोई भी छोटी अटैचमेंट फाइल है वो आप यहाँ पे ब्राउज करके डाल सकते हैं, उसके बाद आप इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वैसे इनसे भी अच्छी ये दो वेबसाइट है, लेकिन बस मैंने ऐसी बता दिया कि ये वेबसाइट भी ऐसा अच्छा काम कर देती है। उसके बाद आते हैं फोर्टीगार्ड पे, सेम वो भी ऐसा काम करती है, आप अपनी फाइल इसके ऊपर ऑनलाइन डाल सकते हैं, उसके बाद ये स्कैन करके बता देगी। अब आ जाते हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जो कि मेन पार्ट है, जिसके अंदर हम देखेंगे वायरस टोटल और नो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों में से कौन सा अच्छा है और दोनों में से क्या क्या खतरनाक पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम देखने वाले। तो सबसे पहले आ जाते हैं वायरस टोटल के ऊपर। तो जैसा कि आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे चूज फाइल करनी है, उसके बाद जो सी भी फाइल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके डालनी है डाल देंगे। अब इसकी खासियत क्या है, ये 60 से भी ज़्यादा एंटीवायरस के हेल्प लेके उस फाइल को स्कैन करेगा। और दूसरी बात करें नो डिस्ट्रीब्यूट, तो ये करीब पॉपुलर, कोई भी जितने भी पॉपुलर होते हैं उसमें से 30 ऐसे एंटीवायरस जिनकी ये हेल्प लेता है, वो भी लेटेस्ट अपडेट एंटीवायरस डेटाबेस से। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसा कि हम इसके ऊपर देखते हैं कि ये 60 से भी ज़्यादा एंटीवायरस की हेल्प लेता है, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी आज तक मालवेयर, ट्रोजन, आपके पेलोड वगैरह बने होंगे, अगर किसी एक एंटीवायरस ने उसको स्किप कर दिया, वो नहीं पकड़ पाया, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो उसको पकड़ लेंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। अब देखते हैं कि दोनों साइट्स में डिफरेंस क्या है। तो जब आप वायरस टोटल पे कोई फाइल अपलोड करके उसको स्कैन करते हैं, तो वो उसके डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाती है, उसका रिजल्ट उसके डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाता है कि ये फाइल जब मैंने इंस्टॉल करी थी, अपलोड करी थी या स्कैन करी थी, तो उसके अंदर ये वाले ट्रोजन ट्रोजन या फिर मालवेयर या फिर कुछ भी पेलोड उसके अंदर मिला था। तो फिर वो क्या करेगा, वो आपको छूटते ही मैसेज दे देगा कि ये फाइल पहले भी स्कैन हुई है और इसके अंदर ये मेरे को प्रॉब्लम्स मिली है। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हम उसको छोड़ दें क्योंकि हमें पता लग गया पहले भी स्कैन हुई थी, या फिर हम उसको दोबारा स्कैन करके देख सकते हैं। और अगर बात करें नो डिस्ट्रीब्यूट साइट की, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करती है, ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती अपने पास किसी भी चीज़ का भी। तो इस वजह से हैकर जो भी होता है वो ज़्यादातर नो डिस्ट्रीब्यूट साइट पे ही जाता है, क्यों वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए किसी ब्लैक हैट हैकर ने या फिर किसी भी नए सीखते हुए बच्चे ने कोई भी एक
पेलोड बनाया, फुली अनडिटेक्टेबल पेलोड बनाया, वायरस बनाया, मालवेयर बनाया, कुछ भी बनाया, अब उसको उसने उसके अंदर ऐसा वाला फीचर डाल दिया ताकि उसको एंटीवायरस भी बायपास कर सके। ऐसी कितनी सारी चीजें, कितने सारे पेलोड है जो एंटीवायरस को भी बायपास कर देते हैं। तो अब उसको स्कैन करना है कि यार कोई एंटीवायरस उसकी फाइल को पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा। तो अगर वो वायरस टोटल पे जाके उसको डाल देगा तो वायरस टोटल पता क्या करता है, ये जिसने फाइल अपलोड करी है उसके आईपी रिकॉर्ड अपने पास रखता है। तो अगर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला वायरस है तो ऐसा होता है कि ये साइड उसको उसके खिलाफ रिपोर्ट भी कर देती है, और इससे बहुत सारे केसेस आए। किसी भी ब्राउजर पे जाके एक बार उसकी डिटेल में जाके देख लेना कि कितने सारे लोगों को पकड़ा गया है। तो वो क्यों अपने आप को रिस्क में डालेगा, तो वो इस वजह से नो डिस्ट्रीब्यूट साइट का हेल्प लेता है, क्योंकि ये कोई भी रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखती, और इस पर डाल के देख लेता है जितने भी एंटीवायरस हैं उस पर, अगर वो बायपास कर पाया तो फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन ऐसा बहुत नहीं हो पाता क्योंकि बहुत अच्छा है ये, 30 से ज़्यादा एंटीवायरस की हेल्प लेता है। तो यही था आज की इस वीडियो में, वायरस टोटल नो डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे कुछ ऑनलाइन एंटीवायरस जो आपकी हेल्प कर सकते हैं छोटी मोटी फाइल को स्कैन करने के लिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वायरस हो सकते हैं। अगर बात करूँ तो सबसे खतरनाक, अगर किसी ने उसके अंदर पेलोड डाल के रख दिया तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेलोड के अंदर अगर कोई इंसान पेलोड बना रहा है तो वो ऐसा ज़रूर करेगा ताकि उसको एंटीवायरस बायपास कर दे वो पेलोड उसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड।